और चलिए बड़ी खबर, डुबरी उपचुनाव में मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 11.4% वोटिंग हो चुकी है। तो चलिए डुबरी उपचुनाव को लेकर जुड़ी ये बड़ी ब्रेक ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, जहां अब तक 9 बजे तक 11.4% वोटिंग हो चुकी है। और जिस तरीके से न्यूज 11 भारत लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है, सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं में उत्साह लगातार देखने को मिल रहा था। और इसका नतीजा देखिए, 2 घंटे में 11.4% वोटिंग हो चुकी है। ना सिर्फ पुरुष मतदाता बल्कि महिला मतदाताओं में उत्साह इस बार अधिक देखने को मिल रहा है। और दोनों ही खेमे के लोग इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। और डुमरी उपचुनाव से जुड़े ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 9 बजे तक और इसी खबर पर रांची चुनाव आयोग से हमारे साथ संवाददाता दीपक बने हुए। दीपक देखिए, रुझान सामने आ चुका है, लगातार 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी, 9 बजे तक के प्रतिशत सामने आए हैं, 11.4% वोटिंग हो चुकी है। इस बार मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और ये नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए डुमरी उपचुनाव जो है सुबह 7 बजे से ही चल रहा है और मतदाता मतदान केंद्र पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और अभी 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट है वो मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 11.4% तक की वोटिंग जो है अभी तक हो पाई है, यानी कि 2 घंटा में 11.4% वोटिंग हुई है। और जिस तरह से ये चुनाव हो रहा है, जो तैयारी निर्वाचन आयोग के द्वारा जो की गई है वो भी बेहतर तरीका से किया गया है। कुछ संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में फोर्सेज डिप्यूट किए गए हैं और 373 मतदान केंद्रों में मतदान हो रहा है, तो 373 मतदान केंद्रों की जो है पूरी तरह से निगरानी जो है वो मुख्य निर्वाचन आयोग कार्यालय से रखी जा रही है। वेबकास्टिंग के जरिए तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है कि किस तरह से जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जो वहाँ पे पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं पोलिंग एजेंट, वो तमाम लोगों की जो गतिविधि है उसकी पल पल की जो जानकारी है वो ली जा रही है। और जो जानकारी अभी तक जो दी गई है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा, उसमें यह को बताया गया है कि अभी तक जो वहाँ पे चुनाव हो रही है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, किसी भी तरह की कोई परेशानी अभी तक सामने नहीं आई है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से 2019 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था और लगभग 69.5 जो है वो वोटिंग हुई थी, तो इस बार ये कोशिश हो रही है कि बीते 2019 के विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंट था 69%, उससे कहीं अधिक वोटिंग परसेंट हो, और ये प्रयास जरूरी इस बार किया जा रहा है और उम्मीद भी की जा रही है। और जिस तरह से ये विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है उपचुनाव, और इसको लेकर के जिस तरह से तो तमाम राजनीतिक दल है पूरी ताकत झोंका, बीते 3 सितंबर तक जो है वो प्रचार प्रसार चला, और जैसे ही आचार संहिता लागू हुआ उसके बाद प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम गया। और अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ये चुनाव में जो मताधिकार का जो प्रयोग कर रहे हैं मतदाता, और वो अब किसके पक्ष में अपना जो जन समर्थन है वो दे रहे हैं। और आज जब मतदान जब 5 बजे खत्म हो जाएगी, उसके बाद तमाम जो प्रत्याशी है जो चुनावी मैदान में 6 प्रत्याशी, उनका भाग्य का किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो तमाम चीज़ों को लेकर के जो मुख्य निर्वाचन आयोग है वो पूरी तरह से तमाम चीज़ों पर निगरानी रख रही है, पल पल की जानकारी भी ले रही है कि किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, और किसी तरह की कहीं पर कोई थोड़ी बहुत परेशानी अगर हो भी रही है तो उसे तुरंत दुरुस्त करने का जो है वो दिशा देश भी दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि चुनाव जो हो रहा है वो पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हो, ये कोशिश जो है मुख्य निर्वाचन जो कार्यालय से जो है वो की जा रही है। तो तमाम गतिविधियों पे नजर रखी जा रही है, और जो वोटिंग परसेंट अभी तक जो आया है 11.4% वोटिंग, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये वोटिंग परसेंट धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब 5 बजे जब चुनाव मतदान खत्म होगा तो बीते जो 2019 का जो जो वोटिंग परसेंट था उससे कहीं अधिक होने की जो है ये उम्मीद भी जताई जा रही है। जी चलिए दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए डुमरी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुबह 9 बजे तक 11.4% वोटिंग हो चुकी है। सुबह से ही मताधिकार का मतदाता अपना प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।